आज हम अपने प्रोग्राम एक मुलाकात में आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब अब्दुल मजीद वानी साहब, जो कि कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर रहे हुए हैं, बहुत ही जुझारू नेता हैं। अपने टाइम में इन्होंने बहुत काम किए हैं। अब इनसे कुछ सवाल करेंगे कि इनके टाइम में जो डेवलपमेंट हुई है और आज की डेवलपमेंट में ये क्या डिफरेंस समझते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत वानी साहब। ये 2013 में आप मिनिस्टर बने, उससे पहले आप 2 बार MLA भी रहे हैं। तो सर, उस वक्त की जो डेवलपमेंट हुई आपके टाइम की डेवलपमेंट में और आज की डेवलपमेंट में आप क्या डिफरेंस मानते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट में बहुत सारे फर्क हैं। एक, जब सरकार बनती है, सरकार बनने में लोगों का एक हित होता है, बिल्कुल ठीक है, लोगों की डेवलपमेंट की बात होती है और सरकारें डेवलपमेंट के लिए बनती हैं और सरकार के अंदर एक पॉलिसी होती है, प्रोग्राम होता है और उसी पॉलिसी प्रोग्राम के तहत दूर दराज इलाकों से लेकर और शहरों तक एक प्लान बनाया जाता है, एक प्लानिंग होती है कि हमको किस तरीके से, किस मद में हमने डेवलपमेंट करनी है। आज मैं जो समझता हूँ कि सरकार खाली गाड़ियों के सहारे चल रही है और अपना जो उनके पास आज ये दिखाने के लिए या डेवलपमेंटल सोच करने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए ये जो दिखावा एक हमारे रियासत में आ गया और खासकर हमारे मुल्क में है कि हर बात अखबार में होती है और कहीं ज़मीन पे नहीं होती है। ज़मीन पे वहाँ के लोग रहने वाले उस चीज़ को तायीद करते हैं, उसको बोलते हैं, लोगों के हित की बात नहीं हो रही है, लोगों की हित की बात नहीं हो रही है। तो इसमें बड़ा अफसोस है कि जब हम भी देखते हैं कि एक सोच रखते हैं कि शायद अगर लोगों ने कोई वोट दिया, सपोर्ट दी, सरकार तब्दील की, निज़ाम को चेंज किया, तो कुछ तब्दीली ज़मीन पे भी आनी चाहिए। उसके लिए सोच हम भी करते थे, यार अच्छे लोग आएंगे, अगर हमसे बेहतर काम करेंगे तो ठीक बात है, आगे वही काम कुछ अधूरा छोड़कर हम लोग भी आगे चलाएंगे। लेकिन हमने जो देखा, हमारे काम जो किए हैं उनके ये रिबन काटते हैं, कैचा जेबों में रखते हैं, उसकी इनॉग्रेशन करते हैं। तो अपना इनका एक काम भी मुझे दिखा दीजिए कि जब से नई सरकार, कोरेशन सरकार रियासत के अंदर, PDP सरकार और BJP की सरकार बनी है, तो कोई काम जमीन पे मुझे दिखाएं, मैं मानने के लिए तैयार। आपका कहना मतलब है कि जो प्रोग्राम आपने चलाए थे वो इस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्लीमेंट भी नहीं किए हैं। इम्प्लीमेंट करते तो अच्छी बात थी ना। कि एक देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आज UPA फर्स्ट रही, UPA सेकंड रही और आज मोदी साहब की सरकार है NDA की। अगर कोई NDA की अच्छी सरकार अच्छा काम करेगी तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छा काम किया, देश के लिए किया, देश की हित के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए किया, तो हम उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें क्या, ये इससे क्या मकसद हमें हासिल होगा कि अगर मोदी साहब अच्छा काम करेंगे तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए? लेकिन UPA फर्स्ट और UPA सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे कि वो चीजें, वो हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए थे जिसके ऊपर एक भारत सरकार में एक रुझान होता था कि जब हम मरकजी सरकार पैसे देती है वो दूर दराज इलाकों के अंदर क्यों नहीं पहुंचता, उस पैसे को क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कम करते हैं, या रियासत के अंदर लोग हैं वो कम करते हैं, या रियासत के जो अधिकारी हैं या जिम्मेदार हैं क्या उसके वो लोग कम करते हैं? पैसा आप कहते हैं वहां पहुंचता नहीं, कहां जाता है पैसा? मैं आपको बताऊं ना, वही कि लेकिन UPA फर्स्ट और UPA सेकंड ने उस पैसे को
आपके रूरल एरियाज में पहुंचा, अर्बन एरियाज में पहुंचा, जो कि आज नहीं हो रहा है, जहां आपका यूपीए फर्स्ट ने यूपीए सेकंड ने आपके ये एक्ट बनाया कि भाई गरीबों के पास पैसा पहुंचे, गरीबों के पास डेवलपमेंट पहुंचे, गरीबों को आसानी हो जाए, जिसके लिए मनरेगा एक स्कीम बना गई। वो स्कीम रियासत में हुई है, लेकिन वो एक्ट है, एक कानून है मरकजी सरकार के अंदर कि 100 दिन का रोजगार जो देना है वो लोगों को घरों के अंदर देना है, और ये 100 दिन का रोजगार हरारा के हर गरीब के पास पहुंचना चाहिए, उसकी घर की हालत हो ठीक हो। और यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड ने किया, और आप देख लीजिए रूरल हेल्थ मिशन में आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वही यूपीए सेकंड ने एक डिसीजन लिया था कि हमारे दूर दराज इलाकों में जहाँ पे आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशन अभी भी आपके नहीं बने हैं, या अगर बने हैं तो उनकी सप्लाई पूरी नहीं है, उनके इक्विपमेंट नहीं है, उनका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में एक स्कीम, आशा की स्कीम शुरू की थी कि उन जगहों पे एक तो डॉक्टर्स को भेजो, इक्विपमेंट्स भी जाएंगे, इक्विपमेंट्स भी जाएंगे, और उसकी बाध्यता उसकी फंडिंग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन करेगा। अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स की, चाहे BUMS है MBBS है, उनकी भी NRHM के तहत होगी। और आशा एक छोटी सी वर्कर वहीं के लगाई जाती थी उसी गांव के अंदर, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी और उसको अपने लोगों की हेल्प करना। और जहां पे भी हमारे गांव के अंदर लेडीज जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनको टाइमली उनको वो वैक्सीनेशन करना, उनको गाइड करना, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट होना, हॉस्पिटल बनाना, और इवन आपके जो गाड़ी उसको वहां से हॉस्पिटल लाते उसको भी पैसा, और फिर बच्चा जो पैदा होता उसका भी पैसा, उस डिलीवरी का पैसा भी उस प्रेग्नेंट लेडी को मिलता था। आज तो कहीं नहीं वो पैसा नहीं, वो मिशन खत्म हो गया, मनरेगा खत्म हो गया। मनरेगा आज देहात में मुझे लोग कहते हैं कि 30% टोटल काम होता है, 30% जहाँ 100% आपको रोजगार देना है वहाँ 30% आप दे रहे हैं, और 30% का भी पैसा आपका रिलीज नहीं हो रहा है। उस 30% की जो लोगों ने मजदूरी की है उसको तो वो 1000 बार आते हैं डोडा के अंदर पैसा लेने के, परेशानी क्रिएट हो जाती है, तो उनके पास तो कोई जरिया है नहीं, वो 30% भी उनके पास 5% नहीं बचता है। तो ये चीजें जो है, देखिए कोई भी सरकार आ जाए, जब भी आज सरकार अगर NDA की है, मोदी साहब की है, अगर कोई फैसला करेंगे, कल मोदी साहब की सरकार ना हो या हो, लेकिन वो जो कार्य है, वो जो प्रोग्राम है, जो पॉलिसीज हैं, जो हित की बात है, वो आगे भी चलने चाहिए और आगे भी स्मूथली चलने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर फंडिंग है, प्रॉपर तरीका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिसोर्सेज हमारे हैं, और रिसोर्सेज को टेप करने के लिए प्लानिंग कमीशन हुआ करता है। सर ये हमारे GST की रोचन पड़ी है, यहाँ पर कश्मीर के लोग जो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, और जम्मू वाले कह रहे हैं कि GST लगाना चाहिए, वो कश्मीर से बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए GST एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में UPA ने स्टार्ट किया था, और UPA सरकार में वो प्रधानमंत्री जिसने रिफॉर्म्स लाई थी हिंदुस्तान के अंदर, मनमोहन सिंह के, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रिफॉर्म्स लाई थी, शुरुआत की थी, और रिफॉर्म लाने से हमारी इकॉनमी जो है हमारी इतनी बूस्ट हुई थी कि बाकी देश जितने भी थे बीच में कुछ ऐसे क्राइसिस हुए, हमारी इकॉनमी फिर स्टेबल रही बनिस्बत बाकी कंट्रीज के। इवन अमेरिका में या आप बाकी देश दे दीजिए, जो जहाँ इकॉनमिस्ट बैठे हैं, जहाँ पे बहुत बहुत दिमाग बैठे हैं, उनको भी थोड़ी सी वो उनकी इकॉनमी में भी थोड़ा सा हलचल हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर स्टेबल थी इकॉनमी। उसका कारण था कि रिफॉर्म्स हमने लाए थे, और रिफॉर्म लाने के साथ साथ हमारा एक तरीका था, और ये जो GST है ये बेसिकली कंसेप्ट था UPA सेकंड का, कि जहां हम टैक्सेस देने, अंधाधुंध टैक्स, एक जगह से आप दूसरी जगह जाएं तो वहां टैक्स, दूसरी से तीसरी जगह जाएं आप उसका टैक्स, वहां से आप कंज्यूमर के पास जाएं उधर टैक्स,
और कंज्यूमर के ऊपर सारा बोझ सारा अल्टीमेट उसी के ऊपर आता था कि ये टैक्सेस का ये, और इस रिफॉर्म में ये कांग्रेस का एक कॉन्सेप्ट था कि हम जीएसटी को लागू करें। अब जीएसटी को लागू करने के लिए इसमें इस गवर्नमेंट में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने काम किया है। प्राइम मिनिस्टर को भी हम कहेंगे ठीक है, उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दी उनमें मैं उस स्टेटमेंट को बदलता, मैंने सुनी कि इसमें हर एक हुकूमत ने काम किया, हर एक व्यक्ति ने काम किया, हर एक एक खोपड़ी ने काम किया, हर एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट थी जीएसटी के अंदर। देखिए रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अब क्या माजरा है कि जम्मू वाले कहते हैं कि इसको लागू करो, कश्मीर में कहते हैं लोग मत लागू करो। जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई लॉ बनता है जो पास पार्लियामेंट के अंदर हो, उसको लागू करने का रियासत जम्मू कश्मीर में अंदर आपको सेशन बुलाना है और वो बाजता अपनी असेंबली से पास करना है, फिर आपको लागू होगा। अब ये 370 का जो कंसेप्ट लोगों को है कि ये जो गलत प्रोपोगंडा 370 का करते हैं, वो पहले उनको 370 समझना चाहिए। 370 ही एक वो चीज है जो हमें अपने हिंदुस्तान और स्टेट के रिलेशन को बरकरार रखती है। ये ब्रिज है बिटवीन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दिस इज ऑनली ब्रिज 370 बिटवीन दीज टू ये जी पावर सेंटर। 370 को जिस वक्त ये लोग, जो लोग 370 की बात और गलत भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये महाराजा के टाइम में महाराजा बहुत बड़ा विजन था उनका, छोटे विजन के नहीं थे कि महाराजा ने ये 300 स्पेशल स्टेटस इसलिए रखा था कि ये जो हम पार्ट बने अपने हिंदुस्तान का, मुल्क का, और ये हम कंप्लीट पार्ट रहे हैं, लेकिन हमें स्पेशल स्टेटस इसलिए मिले कोई भी पैसा वाला बाहर से एंटर नहीं करे, और वो अगर एंटर करेगा तो कल को यहाँ के जो बिजनेस तबका है, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के खुशहाल लोग हैं, वो बदहाल हो जाएंगे। बदहाल ये होंगे कल को बाहर की कोई फर्म भी आपको आ जाती है, अगर वो आम एक आदमी को जिसकी कीमत उस प्लांट की 1 लाख होगी, 10 लाख होगी, 50 लाख होगी, दूसरे बाहर से आने वाले उसको 50 करोड़ रुपया देंगे, तो उसने तो रास्ते पे आ जाना है। ये स्पेशल स्टेटस था कि ताकि बाहर को रिस्ट्रिक्शंस लगे कि आपके यहाँ की अपनी इकॉनमी एक बूस्ट हो जाए, और ये इंटरगल पार्ट रहे इंडिया का, और यही ब्रिज रहे जो इनको टो रहे। और अब इसके कारण क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर सोच रखने वाले लोग बहुत बड़े वो भी हैं, जिनको ला लिमररी जो लोग हैं, जो ला नोइंग हैं, जो बारिस्टर हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो इस वक्त हमारे एपेक्स कोर्ट के जो सबसे बड़ी अदालत हिंदुस्तान की है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, सब लोगों को पता है कि ये स्टेटस क्या है। अब अगर इसमें कोई अनजान आदमी इस पर टिप्पणी करेगा तो मुझे नहीं लगता वो अच्छी बात है। अगर ये यहाँ पर लागू नहीं होता है जीएसटी, तो यहाँ का तो बिजनेस सारा खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, डबल टैक्सेशन से यहाँ पर लोग काम नहीं कर पाएंगे और लोगों को चीज़ें महंगी मिलेंगी, अगर बाहर से आएंगे तो महंगी मिलेंगी। देखिए कश्मीर के अंदर कुछ अप्रिहेंशन लोगों को हैं, लेकिन वो गलत अप्रिहेंशन है, क्योंकि किसी टैक्सेशन के कानून को अगर आप असेंबली के थ्रू पास करते हो तो उससे आपकी 370 के कोई वायलेशन नहीं ना मानता है कोई, क्योंकि स्पेशल स्टेटस को वायलेट करना मामूली बात नहीं है। ये आप रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसे वाले लोग भी जानते हैं और बाहर के लोग भी जानते हैं कि स्पेशल स्टेटस के साथ छेड़खानी करनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जहाँ पे हम कहते हैं कि साजिशों का शिकार
रियासत जम्मू कश्मीर रहा तो वो कारण क्या है? क्योंकि मिलिटेंसी का ऐसा दौर रहा जिसमें मुसलसल आज भी मिलिटेंसी जारी है कश्मीर के अंदर, और इसने इतनी जाने तलफ कर दी, इतने लोग मारे गए, इतनी फोर्सेस के लोग मारे गए, इतने एजेंसीज के लोग मारे गए, इतने बेगुनाह और गरीब मारे गए। तो बहुत बड़ा फंड एक यूज होता है वहाँ पर, और जिससे आपको अभी पता नहीं लगेगा, जिस वक्त कम्प्लीटली मिलिटेंसी खत्म होगी उस वक्त ये नुकसान का पता लगेगा कि हमारे कितने लोग जो आर्मी के लोग थे, कितने लोग वो थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, कितने हमारे रियासती पुलिस के लोग थे, कितने हमारे पॉलिटिकल लोग थे, और कितने आम शहरी थे जो इसका शिकार हो गए। और इससे डिस्ट्रक्शन जितनी हुई है कि ये हर इलाके के अंदर डिस्ट्रक्शन है, किसी जगह बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जलाया गया, स्कूल जलाए गए, लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया गया। आप कहीं भी जाएंगे, किसी जगह भी जाएंगे, आप देखेंगे आज भी सरकारें आती गई, रिहैबिलिटेशन होती गई, डेवलपमेंट होती गई, लेकिन सिवाय इस जो मौजूदा सरकार है कोलिशन की, इसके अलावा हर कोशिश रही कि हम रिहैबिलिटेट लोगों को करें और रिकंस्ट्रक्शन उन इंस्टीट्यूशंस को करें। आज भी हम अगर नजर मारते हैं तो अभी भी हम उन जगहों पर नहीं पहुंचे हैं जिन जगहों पर इंस्टीट्यूशन जल गए हैं। तो सर, ये अगर इंस्टीट्यूट की बात करें, एजुकेशन अगर बच्चों को प्रॉपर नहीं मिलेगी तो क्या ये अगर उनको लेने भी नहीं देंगे, स्कूल जला देंगे, कॉलेज ख़त्म कर देंगे, तो क्या अफगानिस्तान बनाने की तैयारी है? देखिए, मकसद ये है कि स्कूलिंग और एजुकेशन जो है लोगों के बच्चों को उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी हो। सब लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे तालीमी अदारे जितने भी हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आपको मैं बता दूँ कि यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड में हम लोगों ने, हमारी कुरेशन सरकार थी, पहले पीटीपी के साथ थी, फिर नेशनल के साथ थी, लेकिन हमने हमेशा एक रुझान पैदा किया और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ ऐसे डेवलपमेंटल प्रोग्राम शुरू किए जिनमें हमने आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्राइमरी स्कूल खोले और एक सर्व शिक्षा अभियान के तौर हमने प्राइमरी स्कूल्स खोले, और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती थी कि हर 5 किलोमीटर में अगर एक प्राइमरी स्कूल है तो दूसरा प्राइमरी स्कूल 5 किलोमीटर के एरिए में खुले, लेकिन हमने उन गाइडलाइंस को भी कहा था कि भाई ये गाइडलाइंस अप्लाई नहीं होते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, क्यों नॉर्थ ईस्ट और रियासत जम्मू कश्मीर टोपोग्राफी वाइज भी और ग्राउंड रियलिटीज वाइज भी डिफिकल्ट है उन गाइडलाइंस पर चलना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस बनती है। वहाँ पे हमने उन इंस्टीट्यूशन को खोला था और वहाँ पे बच्चे लगे थे जो कि मिलिटेंसी से इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारे ख़त्म हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो। एक रायबर तालीम का एक हमने सिलसिला शुरू किया था ताकि उन लोकल एरियाज में यही लोकल लड़के पढ़ा सकें, जाकर और चला सकें और इंस्टीट्यूशन को फिर जिंदा रखें। मगर आज की सरकार ने उन स्कूल्स को भी क्लब किया। अब एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ हमारे आए हैं, वो अच्छे हैं, उनका रुझान अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, उनसे तवक्का कि वो अच्छी बात करेंगे, अच्छी पॉलिसी इख्तियार करेंगे, लेकिन आपके बाकी इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, जहाँ पे हेल्थ इंस्टीट्यूशन आपका है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे जम्मू में आज़ाद साहब की देन, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वो हिस्टोरिकल डिसीजन लिए जो आपको, जो आज अमरनाथ यात्रा जिसका ये आज गुण गाते हैं, उस अमरनाथ यात्रा के जो बेचारे साधु और यात्री आते थे उनको रहने और ठहरने की जगह नहीं होती, यात्री नवास उन्होंने बनाया और कश्मीर के अंदर हज हाउस बनाया, ये बैलेंस करने के लिए कि कोई कारकों को नहीं किया, उधर नहीं बना, इधर बना, उनके टाइम में बहुत डेवलपमेंट हुई। वहां पे हमने डायरेक्टरेट ऑफिस अलायदा किए, कश्मीर का अलायदा किया, जम्मू का अलायदा किया, चूंकि हम हित को, यहाँ के हित को भी वाच करें और वहां के हित को भी वाच करें।
उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस दिए आपके यहाँ इसको, हमारे मेडिकल कॉलेज जो आपने जम्मू हमारा है इसको उस लेवल पे एम्स के लेवल पे ले गए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपका खुला, कहाँ है आपके? आज आपकी बुरी हालत है, अंदर जाके पेशेंट तो वैसे ही मर जाएगा। पेशेंट के मत है, आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, आपकी सफाई नहीं है, आपकी गंदगी बहुत है, सैनिटेशन नहीं है, जिसका दावा यही आज बीजेपी के मंत्री करते हैं, जिनका सबसे बड़ा रुझान आदमियों के लिए वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का यही था कि सफाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, स्वच्छ भारत चलाया, स्वच्छ भारत चलाया, कौन सा स्वच्छ भारत है इनके पास? आज इनके मिनिस्टर है वो स्वच्छ भारत के नाम पे तो डाके डालते हैं, स्वच्छ भारत का कौन सा काम किया मुझे बताओ ना? इंस्टीट्यूशन सारे आपके खिलाफ पड़े और डिस्ट्रक्शन पे उतर आए। मेडिकल कॉलेज जो सेंक्शन किए थे यूपीए सेकंड ने और गुलाम नबी आजाद साहब ने बहसियत हेल्थ मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन से पैसा रखवा कर, कैबिनेट से अप्रूवल लेकर, सेंक्शन कराकर, रिलीज कराकर, और हर एक जगह नोडल ऑफिसर उस वक्त हमारी स्टेट की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे, ताकि वो वहीं तब तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चलाएं जब तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इन्होंने तो इस सरकार ने तीन साल तो चार साल तो ये तीन साल डिले किया मेडिकल कॉलेज को, और डिले का क्या नुकसान रहा? उसमें बच्चों की जितनी सीट्स थी आपकी सारी जाया, आपके लगभग हर एक मेडिकल कॉलेज से 100 बच्चा आपका डॉक्टर बन के निकलता, और वही आज आप दिखा लीजिए हमारे कुटवा के अंदर या जम्मू के अंदर या हमारे डोडा के अंदर, उधमपुर के अंदर, वही आप ले लीजिए श्रीनगर, कपवारा के अंदर, अनंतनाग के अंदर, ये आपके 1200 डॉक्टर तीन साल में तैयार। अगर 500 300 भी आप 400 एयरली निकालते हैं, वो भी 400 या 1200 में बच्चों का नुकसान किया, उनकी सीट जाया की, और ये कौन सी अचीवमेंट है मुझे बताइए? मैंने क्या किया? वही हमने पैसा भी सैंक्शन किया था, नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए थे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने जहाँ पे सर ये सब ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस को भी स्ट्रांग अपोजिशन का रोल अपनाना चाहिए यहाँ पर। नहीं, हम तो निभा रहे हैं, हमारे तो आप देख लीजिए पीसीसी चीफ साहब का क्लियर एक डायरेक्शंस हैं कि भाई लोगों की हित, लोगों की डेवलपमेंट के लिए जहाँ हमको अपोज करना होगा हम अपोज करें, क्योंकि इनका मकसद है लोगों को खाली जुमलों से चलाना, खुश करना, उसकी तो हम अपोजिशन करते हैं, वो आज भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, हम हुकूमत में आए नहीं आए वो दूसरी बात है, लेकिन हमने लोगों की हित की बात करनी, वो हम चुप थोड़ी बैठे। सर अपने डोडा के बारे में बताएं, आपका जीवन पॉलिटिकल कैसे स्टार्ट करे हुआ आपका यहाँ से? मैं आपको बता दूं कि 2002 के अंदर मैंने करीब से हालात देखे थे डोडा के अंदर के, मिलिटेंसी उरूज पे थी और अफरा तफरी का माहौल था, लोग की हिरासत थे, तो हम अक्सर लोग हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आर्मी के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, तो कहीं एक रुझान पैदा करते थे कि अमन और चैन कैसे वापस आए, और जिसके लिए मेरे फादर को किडनैप किया गया, वो 19 दिन लगभग 22 दिन हॉस्टेज रहे मिलिटेंट्स, उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया गया। हमने करीब से मिलिटेंसी देखी है, हमारे घर में मेरे बाप फादर के ऊपर अटैक किया गया, जो उनको गोली लगी स्पाइन के साथ और यहाँ बाजू शोल्डर का ये मसल जो बाजू ऊपर उठा था गोली के साथ, वहाँ था कमरे में दीवार के साथ गोली के साथ लगा था, 28 महीने वो फिजियोथेरेपी में रहे। तो हमने करीब से देखी है मिलिटेंसी, और मिलिटेंसी से जुलूस गए लोग हम सबको जानते, वहाँ पे एक रुझान बनाया था कि हिंदू मुसलमान जो है भाईचारा कायम है, इसको जख नहीं पहुंचे, और दूर दराज इलाकों के अंदर किसी जगह हमारी हिंदू बरादरी की पॉपुलेशन थी, किसी जगह मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो हमने कहा था क्योंकि ये शक और मशकूक की शक्ल में न चले जाए, आज जो ज्यादतियाँ हुई थी, जो विश्वासघात हुए थे,
उनके पास एक ही चीज थी विश्वास करने की, कि क्या ये विश्वास इस पर अगर करेंगे तो हमें लगता है कि इसके ऊपर विश्वास करना है। उसी सूरत में मैंने वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप से ये इलेक्शन जीता और लोग विश्वास को बहाल किया, और इंशाल्लाह वो विश्वास, उसके लिए हमने अपना तन मन धन से काम किया और यहाँ तक काम करते आए हैं, और ये चलता रहता है। ये सियासत है, सियासत कभी किस किस पर गड़बड़ बैठती है, लेकिन लोगों के हित में हो तो अच्छी बात हो, लोगों के हित में न हो तो बुरी लगती है, सबको लगती है। सर आपको क्या लगता है कश्मीर कैसा सुधर जाएंगे? देखिए कुछ चीज़ें मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर को आप खुद देखिए, किसी मिनिस्टर को, किसी व्यक्ति को इजाज़त मत दीजिए कोई टिप्पणी करने के बारे में रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में, वो टिप्पणी नहीं करे, वो कोई बात और भाषा इस कदर न बोले, इस्तेमाल न करें लोगों को दुख हो, जो जिससे लोगों को दुख हो। प्रधानमंत्री को खुद कश्मीर अफेयर्स के बारे में सोच विचार करना चाहिए। ये अंडर एस्टिमेट करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर को कि यहाँ से चार एमपीज हैं, लेकिन वो चार एमपीज अगर 100 के जोड़े में एक बैल नहीं होगा तो वो 50 जोड़े नहीं बनेंगे। तो रियासत जम्मू कश्मीर को समझना बहुत बड़ी बात है। रियासत जम्मू कश्मीर एक मामूली रियासत तो है नहीं। रियासत के अंदर जब तक आप मरकजी हुकूमत सीरियसली नहीं सोचेगी, अगर यही भाषा बोली जा रही है जो बोली जा रही है, अगर यही बोली जाएगी तो हालात कैसे सुधरेंगे? आपने हर मुकर जानते हो वादा आप पूरा करते नहीं तो लोग कैसे भरोसा करें? जिस दिन आप लोगों की हित की बात करके उनके वादे पूरे करोगे, रियासत जम्मू कश्मीर में कोई आवाज नहीं उठेगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता, एक्स आरएनपी मिनिस्टर जनाब अब्दुल मजीद अली साहब। उन्होंने हमारे सभी सवाल के बहुत ही अच्छे और खुले दिल से जवाब दिए। हमका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।